बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी तमाम मांगों को लेकर मुंजे चौक पर जमकर आंदोलन किया। यदि मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो यह आंदोलन और भी उग्र स्वरूप में होने की चेतावनी कर्मचारियों ने दी है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी ये रिपोर्ट, आइए देखते हैं। आए दिन बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के नीतियों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये आंदोलन नागपुर के मुंजे चौक पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तमाम कर्मचारी कर रहे हैं। इस आंदोलन में ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज फेडरेशन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी महासंघ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी सेना, महाबैंक नवनिर्माण सेना की ओर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अड़ियल रवैये को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने जमकर आंदोलन किया। आंदोलनकारियों का यह कहना है कि सभी शाखा और एटीएम के लिए अलग सुरक्षा व्यवस्था दें, सफाई कर्मचारियों को सिपाही पद पर प्रमोशन दी जाए, साथ ही प्रशासकीय मनमानी धोखा बंद करें आदि मांगों को लेकर महाबैंक के सभी कर्मचारी संगठन द्वारा संयुक्त आंदोलन किया गया। इस मौके पर बैंक कर्मचारी आंदोलनकारियों ने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। दरअसल इस समय में बीसीएन की टीम मुंजे चौक पे, जहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ये तमाम कर्मी लोग आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि जिसके चलते बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खिलाफ यहाँ पे जमकर आंदोलन किया जा रहा है? कुछ कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताए कि जिस प्रकार से आंदोलन किया जा रहा है, करने का उद्देश्य क्या है? सर, ये आंदोलन हम लोग पिछले एक साल से लड़ रहे हैं। हमने मैनेजमेंट को किसी प्रकार के कई प्रकार के पत्र दिए। हम लोग डीमोनेटाइजेशन से इस बैंक के लिए काम कर रहे हैं और आज भी इस बैंक के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन एक समय सीमा होती है। जब बैंक पीयूसी में थे तब हमने साथ दिया, जब बैंक घाटे में थी तब हमने साथ दिया, जब पीयूसी से बाहर निकल गई, प्रिवेंटिव एक्शन से बाहर निकल गई, उसके बाद बैंक प्रॉफिट में आया। आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र नंबर वन में है, इट इज़ अमंग द टॉप 10 बैंक्स, नंबर वन पे है। आज हमने बैंक से मैंने रिक्वेस्ट किया कि अब आप 15-15, 20-20 साल से जो हंगामी हमारे टेम्प्ररी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको कायम कीजिए, उनको सबस्टाफ बनाइए, उनको परमानेंट करिए और सबस्टाफ की भर्ती कीजिए। मैं इस आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा, इस बैंक में 1700 से अधिक ब्रांचेज में पीटीएस ही नहीं है, क्या कस्टमर सेवा दे पाएंगे? सबस्टाफ ही नहीं है, क्या क्लीनिनेस कर पाएंगे? ये सारी असुविधा है। उसके बाद एक आदमी पर इतना प्रेशर है, आज भी मेरा एक भी कर्मचारी शाम को 7 से 8 के पहले जाता नहीं। वी आर गवर्न बाय बाइपार्टाइट, लेकिन हम लोगों ने नियम को पालन नहीं किया क्योंकि हम लोगों ने बैंक को प्राथमिकता दी। यदि आपकी मांगों को दरकिनार किया गया तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति हमारी 21-22 अक्टूबर को 2 दिन का स्ट्राइक है, आज 1 दिन का स्ट्राइक है, अगले बार 2 दिन का स्ट्राइक है। अगर फिर भी नहीं मानी गई तो हमारी शीर्ष संगठन ऑल इंडिया संगठन है, जितनी संगठन है उनकी शीर्ष संगठन है, पूरे बैंकों में, या तो सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, ये पूरी बैंकों में यह आंदोलन होगा और पूरी बैंकों में बैंक का पहिया जाम होगा। और ये 21-22 अक्टूबर की स्ट्राइक के बाद 2 दिन के स्ट्राइक, दिस स्ट्राइक में गो टू इंडेफिनेट स्ट्राइक ऑल्सो। हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट हमारे जायज मांगों को मांगे, माने और हमारी ये छोटी जो रिक्वायरमेंट है वो जायज मांगे उनको पूर्ण करें। धन्यवाद। कर्मचारी के मांगों को पूरा करना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। यदि कर्मचारी के मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिन में बहुत बड़ा एक आंदोलन भी छेड़ने की चेतावनी इस समय में तमाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारियों ने दी है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहोर के साथ संजय मिरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।